हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ विवो i56 डिवाइस के अंदर आप ऑटोमेटिक कोल्ड कोडिंग कैसे करेंगे। दोस्तों आप अपने फोन में ऑटोमेटिक कोल्ड कोडिंग कैसे करेंगे, तो दोस्तों आप जैसे कोई भी कोल्ड कोडिंग करते हैं, बार बार एक एक कोल्ड कोडिंग करते हैं, जब कोई कॉल आता है तो उसकी कोल्ड कोडिंग करते हैं तो आपको काफी प्रॉब्लम होता है। आप किसी नंबर की कोल्ड कोडिंग करना भूल जाते हैं तो आपको काफी दिक्कत आती है। तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे आप अपने फोन में ऑटोमेटिक कोल्ड कोडिंग कैसे करेंगे। उसमें क्या होगा दोस्तों, आप अगर नए नंबर की कोल्ड कोडिंग करना चाहते हैं तो नए नंबर की कोल्ड कोडिंग कर पाएंगे, अगर आप अपने किसी सेफ नंबर की कोल्ड कोडिंग करना चाहते हैं तो उसको भी यहाँ पे कर पाएंगे, सिंगल सिंगल नंबर की आप कोल्ड कोडिंग कर पाएंगे। तो उसको कैसे करेंगे दोस्तों, इसी का सेटिंग हम आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलिए अपने सेटिंग में ले चलते हैं, वहां से आपको बताते हैं किस तरह से आपको अपने फोन में ऑटोमेटिक कोल्ड कोडिंग करना है। तो दोस्तों आप देख रहे हो हमारा डिवाइस है, यहाँ पे स्टोर आपके डिवाइस से हम आपको बताएंगे आप अपने फोन में ऑटोमेटिक कोल्ड कोडिंग कैसे करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए आपको फर्स्ट नंबर में अपने डायल पैड को ओपन करना है जहां से आप कॉल लगाते हैं। तो हम यहाँ पे अपने डायल पैड को ओपन कर लिया, आप देख रहे जो हमारा डायल है यहाँ पे ओपन हो चुका है। ऊपर में आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिला तो आपको उस पर क्लिक करना है, येलो ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेटिंग का ऑप्शन है तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे सेटिंग आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको मिलता है कॉल रिकॉर्डिंग, आप देख रहे हैं ऑप्शन है कॉल रिकॉर्डिंग का, तो आपको इस पे क्लिक करना है, येलो ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे सेटिंग आ जाते हैं। दोस्तों आपको फर्स्ट नंबर मिलता है डिलीट रिकॉर्डिंग, आप देख रहे हैं आपको ऑप्शन आ रहा है डिलीट रिकॉर्डिंग का। तो दोस्तों आप अपने कोल्ड कोडिंग को ऑटोमेटिक डिलीट कर सकते हैं, तो दोस्तों इसको हम लास्ट में बताएंगे, पहले हम आपको बताते हैं कि आपको अपने फोन में ऑटोमेटिक कोल्ड कोडिंग करना कैसे है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे आपको मिलता है ऑलवेज रिकॉर्ड का ऑप्शन और उसके नीचे आपको मिल जाता है नंबर नॉट इन योर कॉन्टेक्ट। दोस्तों जो आपके कॉन्टेक्ट में नंबर नहीं है उनकी कोल्ड कोडिंग आप कैसे करेंगे, तो जैसे कोई नया नंबर है उसकी कोल्ड कोडिंग करने के लिए आ रहा है, आपके पास अगर कोई भी नए नंबर से कॉल आता है तो आप उसकी कोल्ड रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या आप किसी नए नंबर पे कॉल लगाते हैं तो आप उसकी भी कोल्ड रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो नए नंबर से कोल्ड रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको ये वाले बटन को इनेबल करना होगा, और जैसे इनेबल के लिए आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको ऑलवेज रिकॉर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है, ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ये इनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों क्या होगा कि इसमें आपके पास कोई भी नए नंबर से कॉल आएगी या आप नए नंबर पे कॉल लगाएंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक कोल्ड रिकॉर्डिंग हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे नए नंबर के ही कोल्ड रिकॉर्डिंग होगा, जो आपके फोन में सेव नंबर नहीं है उन्हीं की कोल्ड रिकॉर्डिंग होगा, जिस नंबर को आप अपने फोन में सेव कर दोगे उसकी कोल्ड रिकॉर्डिंग नहीं होगा। तो उसकी कोल्ड रिकॉर्डिंग करने के लिए जो नए जिसको आप अपने फोन में सेव करोगे उसकी कोल्ड रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको नीचे आना है सिलेक्ट नंबर पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिलता है ऑलवेज रिकॉर्ड सिलेक्ट नंबर, उसके आगे छोटा सा बटन है जिसको आपको इनेबल करना है। तो हम इसको यहाँ पे इनेबल करते हैं, जैसे इनेबल करते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑलवेज रिकॉर्ड का ऑप्शन आता है, तो आपको इसको क्लिक कर देना है, ये इनेबल हो जाएगा। नीचे आपको मिलता है चॉइस कॉन्टेक्ट, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपके सेव कॉन्टेक्ट है वो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से आप नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस नंबर की आपको कोल्ड रिकॉर्डिंग करनी है उस नंबर पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों नंबर यहाँ पे सारे इकट्ठा नहीं होंगे, एक एक को आपको सिलेक्ट करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे धीरे धीरे सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक नंबर को आपको सिलेक्ट करना है, इस तरह से एक नंबर सिलेक्ट हो जाएगा, इसके बाद आपको फिर से दोबारा चूज से कॉन्टेक्ट करना है, इसके बाद दोबारा फिर एक नंबर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जिस नंबर पे आपको कोल्ड कोडिंग करना हो उसको यहाँ पे बारी बारी करके ऐड कर सकते हैं। तो जो आपके सेव कॉन्टेक्ट है उनके भी कोल्ड कोडिंग यहाँ पे हो जाएगी। दोस्तों इस तरह से आप अपने फोन में ऑटोमेटिक कोल्ड कोडिंग कर सकते हैं। दोस्तों कोल्ड कोडिंग आप कर लेते हैं तो उसमें बहुत सारे कोल्ड कोडिंग हो जाते हैं, जब आप अपने फोन में ऑटोमेटिक कोल्ड कोडिंग करेंगे तो बहुत सारे कोल्ड कोडिंग हो जाएंगे, तो आप उस कोल्ड कोडिंग को डिलीट करना चाहते हैं तो उसको ऑटोमेटिक डिलीट कैसे करेंगे, यहाँ पे सेटिंग दिया हुआ है ऑटोमेटिक डिलीट करने का। तो चलिए ऐसे हम बैक होते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से आपको अपने फोन में ऑटोमेटिक कोल्ड कोडिंग डिलीट करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे मिलता है डिलीट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, तो आपको उस पर क्लिक करना है, येलो ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं चार ऑप्शन आ जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आपको मिलता है नेवर का ऑप्शन। तो दोस्तों अगर आपको अपने फोन से कोल्ड कोडिंग को नहीं डिलीट करना है तो आपको नेवर के ऑप्शन को चूज करना है, अगर आपको अपने फोन से कोल्ड रिकॉर्डिंग को नहीं डिलीट करना है तो आपको नेवर के ऑप्शन को चूज करना है, ये वाले ऑप्शन को। अगर आपको अपने फोन से कोई भी कोल्ड रिकॉर्डिंग को डिलीट करना है, आप अपने फोन से कोल्ड रिकॉर्डिंग को ऑटोमेटिक डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको नीचे तीन ऑप्शन दिए हैं, 7 डे, 14 डे, 30 डे, ऐसे यहाँ पे आपको मिल रहा है,
तो तीनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको चॉइस करना होगा। जितना दिन आप अपने फोन में कॉल रिकॉर्डिंग रखना चाहते हैं उतना दिन आप यहां से तीनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चॉइस करेंगे और इसके बाद आपके फोन में उतना दिन कॉल रिकॉर्डिंग रहेगा, इसके बाद ऑटोमेटिक आपके फोन से डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे हम 30 दिन यूज करते हैं, आप अगर 30 दिन करना चाहे 30 दिन करें, 14 दिन चाहे 7 दिन, तीनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको चॉइस करना है। तो हम यहाँ पे 30 दिन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कंफर्म करने को आता है, तो आपको यहाँ पे ऐसे कंफर्म कर लेना है। तो हमारे फोन में अब यहाँ पे 30 दिन तक कॉल रिकॉर्डिंग रहेगा, इसके बाद 30 दिन बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप अपने फोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और कॉल रिकॉर्डिंग को ऑटोमेटिक डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से आपको अपने फोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग करना है और कॉल रिकॉर्डिंग को ऑटोमेटिक डिलीट करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।